हाय फ्रेंड्स व्हाट्स अप आई होप आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे एग्जाम्स आर वेरी नियर एंड आपके अंदर एकदम आग लग गई होगी कि इस बार क्योंकि हमको पास होना है क्योंकि अब की बार आखिरी बार अब की बार डिसंबर पास सो वेदर योर ओल्ड सिलेबस वेदर योर न्यू सिलेबस अपेयरिंग फॉर सी ए फाइनल्स ठीक है योर आई एम विद न्यू सेशन जहाँ पर हम करने वाले पेनल्टीज हम सारी क्या करने वाले पेनल्टी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये पेनल्टी की एक शीट है एक स्टूडेंट ने बनाई है स्वाति पीपल हुव अटेंडेड माई लाइफ बैचेज एन हो स्वाति कौन है स्वाति इज़ वन ऑफ द अमेजिंग स्टूडेंट जिसने लॉ को बहुत अच्छे से कॉन्कर कर रखा है एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप भी लॉ को कॉन्कर कर लोगे पेनल्टीज इंपॉर्टेंट होती है हम जनरली एज में प्रिस्क्राइब लिखते थे पर जब से एम से क्यू पैटर्न आ गया है हमें नहीं पता कि हमको पेनल्टी कौन से पूछेगा क्या पूछेगा तो कुछ सेक्शंस की हमने लिस्ट बनवा रखी है यहाँ पर आप देखोगे इस शीट को एंड मैं आपको याद करा दूंगा पूरी पेनल्टी याद होगी नहीं होगी हमें किसी को नहीं पता हमें याद रहेगी वो भी नहीं पता बट हम एक कोशिश तो कर सकते हैं अगर वही पेनल्टी उठकर आ गए अगर एम सी में वो फिगर दिख गया मेरा मैंने वहाँ पर वो अपने सर्कल कर दिया मार्क्स मिल जाएगा मुझे एक मार्क या दो मार्क या फिर अगर डिस्क्रिप्टिव में कहीं आ गया लिखने के लिए भैया पेनल्टी मतलब कॉन्ट्रोवेंशन है तो कुछ ना कुछ तो आपको रिलेशन बना के कुछ ना कुछ तो अपने को याद करना पड़ेगा सो मोटा मोटी पूरे कॉर्पोरेट लॉ की पेनल्टी यहाँ पर है आप इसको पढ़ेंगे ये शीट कहाँ से मिलेगी सर ये शीट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे नीचे आपको मिल जाएगा टू डाउनलोड द शीट प्लीज क्लिक ऑन दिस तो आपको एक एक लिंक खुल जाएगा एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो मतलब वो गूगल ड्राइव का लिंक है मैंने ड्राइव पर अपलोड कर रखी है आपको मिल जाएगा अच्छा जिन भी बच्चों ने आ, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे बोला हुआ है कि अगर आपके एग्जाम के टाइम पे जैसे बिकॉज एफ आर जब जाता है समेसन इफेक्ट उसका ऑडिट लॉ में आता है तो वो हमें नहीं आना है तो आई एम देर ऑन टेलीग्राम ड्यूरिंग दोज़ एग्जाम डेज आई मे नॉट बी एबल टू कम ऑन यू बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर तो टेलीग्राम पर मैं रहूँगा अगर आप कहीं से भी पढ़ कर आए कोई भी टीचर से पढ़ कर आए हो आप खुद से पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं भैया सब अपने वाले ही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मुझे देख रहे हो वो सी जरूर बने ठीक है so, सो कुछ नहीं चाहिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो जॉइन द टेलीग्राम लिंक डू सब्सक्राइब टू द चैनल का कोई और वीडियो मैं डाल देता हूँ रिकॉर्ड करके तो आपको उसका अलर्ट आ जाएगा डू रेफर दिस वीडियो डू रिकमेंड दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम के जिसको मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले मैक्म लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज लॉ ऑडिट यहाँ पर बहुत अच्छा होता है जो पढ़ चुके हैं हमसे उनको पता होगा सो एक ही रिक्वेस्ट होगी डू मेक दिस वीडियो वायरल विद योर फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है सो so क्विकली करते हैं अपन अभी अपनी पेनल्टी सारी रिवाइज करते हैं चलो क्विकली रिवाइज करते हैं अपन सो so, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं अपना जो पैटर्न है ना आई थिंक फास्ट ट्रैक बुक का रेगुलर बुक का वही पैटर्न पे अपनी सारी पेनल्टी यहाँ पर लिखी हुई है उसी चैप्टर के हिसाब से स्वाति ने हमें शीट बना के दिए सर पहला पेनल्टी थ्री नाइन्टी टू कौन सा चैप्टर में सर फॉरन कंपनी अच्छा ध्यान रखना एक एक डिस्क्लेमर ये एक फास्ट ट्रैक रिविजन सेशन है जहाँ पर हम सारी पेनल्टी रिवाइज़ करें जिस भी बच्चों को रेगुलर लेक्चर लेना है या फास्ट ट्रैक लेक्चर लेना है हंड्रेड परसेंट इंग्लिश लेक्चर लेना है यू कैन कॉल ऑन एट फोर फोर एट फोर फोर एट नाइन वन नाइन या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लेट्स लर्न इंडिया डॉट इन अब वहाँ जाके ले सकते हो ठीक है लेट्स गो जय माता दी लेट्स रॉक भगवान पहला सेक्शन है पेनल्टी थ्री नाइनटी टू फॉरन कंपनी का कोई भी सेक्शन कॉन्ट्रवेंट किया सर कंपनी को लग जाएगी एक लाख से तीन लाख एक लाख से तीन लाख वन लाख टू थ्री लाख वन लाख टू थ्री लाख एंड कंटिन्यू फॉर क्लिप लिए पचास हजार रुपये पर डे पर डे पर डे याद करो मेरी आवाज पर डे पर डे अच्छा, पर डे पचास हज़ार रुपये पर डे टिल टिली फॉर कंटिन्यूस अच्छा ऑफिस के लिए पच्चीस से लेकर पांच लाख पच्चीस से लेकर पांच लाख कंपनी के लिए एक तीन लाख होगा एंड कंटिन्यू फॉल के लिए पचास रुपये पर डे ऑफिस को छोटी पेनल्टी इंसान को छोटी पेनल्टी लगती है पच्चीस हजार से लेकर पांच लाख पच्चीस हजार से लेकर पांच लाख ठीक है दैट्स बेसिकली फॉरन कंपनी की पेनल्टी आपको पता होगा फॉर्टी फोर फॉर्टीस भी है सर सर लेसर पेनल्टी किसके लिए सर ओपीसी स्मॉल कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी चेंज वाइज में ओपीसी स्मॉल कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी जो भी सेक्शन करते पूरी कमी जाएगा कितने सर कंपनी के लिए दो लाख ऑफिसर के लिए कैसे बोलेंगे फिफ्टी परसेंट पचास परसेंट का डबल एक हो गया एक का डबल दो हो गया तो ऑफिसर के लिए एक लाख हो गया कंपनी के लिए दो लाख हो गया ऑफिसर के लिए एक लाख हो गया कंपनी के लिए लाख हो गया तो जितने भी अपनी हाफ पेनल्टी होती है जितने भी सेक्शन में लिखी हुई आपने जो कांड किया तो उसका पेनल्टी हाफ हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम ऑफिसर के लिए हो जाएगा एक लाख कंपनी के लिए हो जाएगा दो लाख फो फोर्टी सिक्स भी लेसर पेनल्टी नेक्स्ट सर नेक्स्ट सेक्शन इज फोर सेवन फ्रॉड आप सबको पता है फ्रॉड वाला सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमको लॉ में भी आ सकता है हमको ऑडिट में भी आ सकते हैं सर फ्रॉड अगर बड़ा होगा फ्रॉड बड़ा फॉर मतलब क्या फ्रॉड इज मोर देन और इक्वल टू यहाँ पर मिस्टेक है मोर देन और इक्वल टू वन परसेंट रिटर्न रूप एवर इज ले इज लेस तो सर बड़ा फ्रॉड बड़ा फ्रॉड मेमम अच्छा अगर पब्लिक इंटरस अफेट होता है नॉर्मल इतना लगेगा अगर छोटा फॉर्ड है दस बेसिकली फ्रॉड इज लेस दैन वन परसेंट टर्न टेनबेस्ट लैर इज लेस एंड डॉफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट सर इट ड इंटरपू फाइव इयर्सिकली इट अपर्स टू फिफ्टी लैक्स और अपू फिफ्टी लैक्स और बोथ अपू फाइव इयर और अपू फिफ्टी लैक्स और बोथ बाबू ठीक हो जाओ बाबू तो और अप टू टूफी लैक और बोध। ये हो बहुत ही होगा पेनल्टी फॉर फ्रॉड वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट सर फोर फिफ्टी सामूहिक पेलिटी नो स्पेसिफिक पेनल्टी सामूहिक पेनल्टी सर अगर किसने भी कांड कंपनी ने कांड किया ऑफिसर का ने कांड तो दस हजार रुपया तो लग जाएगा उसको फ्लैट पेनल्टी दस हजार रुपया एंड एंड थाउजेंड रुपीज पर डे थाउजेंड रुपीज पर डे थाउजेंड रूपी पर डे थाउजेंड रुपीज पर वन वन की फिगर चल रहे कंपनी के लिए मैक्सिमम दो लाख हो जाएगा ऑफिसर के लिए पचास हज़ार कंपनी के लिए दो लाख ऑफिसर के लिए पचास हज़ार ऊपर अगर आप रिकॉल कर पाओगे अपना फोर फोर्टी सिक्स आ, बी वाला वहां पर कितना था एक लाख एंड दो लाख था एक लाख एंड दो लाख था यहाँ पर पचास हजार एंड दो लाख है पचास हज़ार एंड दो लाख ठीक है टेन थाउजेंड रुपीज़ फिक्स हो जाएगा एंड थाउजेंड रुपीज़ पर डे मैक्सिमम ऑफिसर के लिए पचास हज़ार एंड दो लाख कंपनी के लिए सो so, यहाँ पर कंपनी ने ऑफिसर कुछ भी कांड किया बेटा मतलब अगर नो स्पेसिक पेनल्टी का कंपनी से अगर कोई भी कांड किया हमारे पैसे पेनल्टी नहीं दिए तो सामूहिक पेनल्टी ये कितनी है बेटा दस हज़ार रुपया एंड थाउजेंड रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट टू तो मैक्सिमम पचास हजार एंड दो लाख पचास हज़ार एंड दो लाख पचास हजार है दो लाख ऊपर कितना था एक लाख एंड दो लाख था फोर फोर्टी सिक्स बी में सर डिफॉल्ट फोर फिफ्टी फोर आपने को पता होगा सेम कांड किया विद इन थ्री ईर्यर एंड अमाउंट वुड बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी डबल लग जाएगा ना वो फोर फिफ्टी फोर ए वाला कि अगर एक कांड सेम कांड किया विद इन थ्री ईयर्स ऑन द डेट ऑफ द एडुकेशन ऑर्डर मतलब जिस दिन ऑर्डर पास हुआ आपके लिए लिवाइंग द पेनल्टी तो द पेनल्टी वो भी डबल द पेनल्टी डबल द फोर फिफ्टी फोर ए डबल द पेनल्टी फोर फिफ्टी फोर ए डबल द पेनल्टी निधि कंपनी का कुछ भी कांड फ्लैट पर पाँच हज़ार रुपये छोड़ सकते उसको दो एंड पाँच सौ रुपये पर डे निधि कंपनी का कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी इस पूरे पेज में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही ध्यान रखना फिर सर रेस्ट्रिक्शन मेकिंग एप्लीकेशन सेक्शन टू फोर्ट अगर आप पढ़ोगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर पता अपने को वो बोलते कि आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो अगर वो तीन महीने के अंदर वो पांच कांड कर देते ऑफिस चेंज किया नाम चेंज किया कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन में अपनी तो आई बी सी या बाइंडिंग अपनी एप्लीकेशन हो रखी है चल भी तुमने सला फिर भी तुमने एप्लीकेशन कर दी तो पेनल्टी है फ्लैट वन लाख रुपए फ्लैट वन लाख रुपए फ्लैट वन लाख रुपए रेस्ट्रिक्शन मेकिंग एप्लीकेशन टू फोर्टी एट इसल्टीज फ्लैट वन लाख रुपए वहां पर वो क्या होगा वो नाम अपना एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा बट अपने को पेनल्टी भी लगा सकता है फ्लैट वन लाख रुपए फ्लैट वन लाख रुपीज़ जमेंट में अगर आ, एक दो प्रकार की पेनल्टी अगर आ, वो अगर आप मैंने राकेश सावंत का एक्साम्पल दिया अगर क्लास एक्शन कर दिया राकेश सावंत ने मीडिया को बुला लिया तो सामने वाले जो डायरेक्टर उनकी इज्जत के लॉ लग जाएंगे तो वहां पर पेनल्टी कितने लग जाएगा सब्जेक्ट मैक्सिमम वन लैख्स अपू वन लैख रुपीज एंड अगर टू फोर्टी फाइव में कुछ भी कांड जो ऑर्डर पास हुआ वो वो छोड़ा आपने वो कांड किया सो so, इसका कितना है इसका सर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख

पाँच साल तक बराबर ऑफ द सेम कंपनी पर फिर भी वो बन गया तो उसको पता है वो बन रहा है और जिन्होंने बनाया उसको भी वह पता है, तो उनके पैनल कितना लग जाएगी फ्लैट फाइफ लाख रुपए कितना लगेगा फाइव लाख रुपीज फाइव लाख रुपए फाइव लाख रुपए फाइव लाख रुपए सेक्शन नंबर कौन सा टू फॉर्टी थ्री चैप्टर कॉम्प्रोमाइजन अरेजमेंट फिर टू फोर्टी टू पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल अगर याद होती तो ठीक है नहीं तो छोड़ सकते हो सेम पेनल्टी है ट्वेंटी फाइव वन वन ट्वेंटी फाइव कैसे करोगेगा ट्वेंटी थाउजन वन लाख छोटी पेनल्टी इंसान को ऑफिसर को बड़ी पेनल्टी कम को वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फायर फाउस ट्रेव फोर्ट टू वर्स लास्ट या सेंट में मिले टू थर्टी एट टू थर्टी एट देखो टू फोर्टी फाइव फोर्टी थ्री एंड फोर्टी टू ये तीनों ये तीनों अपने को मिलेगी क्लास एक्शन सूट मतलब ऑपरेशन मैसेजमेंट टू फोटी ने नाइन मैंने शायद कुछ गलत बोला टू फॉर्टी ने अपने वहां पर कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइजमेंट में आप लोगों को मिसल चैप्टर में मिलेगा एट स्ट्राइकिंग ऑफ वाले में मिलेगा स्ट्राइकिंग ऑफ वाले में मिलेगा आई थिंक मैंने शायद गलत बोला कुछ आपको स्ट्राइकिंग ऑफ में मिलेगा वो अब नीचे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या है टू थर्टी एट रजिस्टर ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम एंड वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पता पन पड़ता है कि वो अपन ने टेक ओवर कर लिया है उसको नाइन्टी परसेंट सारे शेयर्स आने चाहिए उसके लिए अपने सर्कुलर इशू करना पड़ता है सर्कुलर अपने अगर इशू नहीं किया है आपने यूँ ही टेक ओवर कर लिया उसमें ऑफर कर दिया बेसिकली ऑफर कर दिया तो अगर पैरंटी कितने लगाएगा वो फ्लैट वन लाख रुपए फ्लैट वन लाख रुपए याद होते हैं ठीक है ना आप छोड़ सकते उसको मर्जा माल में टू थर्टी नॉट सो इम्पोर्टेंट बीस हज़ार रुपया हाँ ये चेंज हुई है ये चेंज हुई है ये चेंज हुई है

वन ट्वेंटी फाइव 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 वन ट्वेंटी फाइव और थ्री ईर्यर और बोथ और थ्री ईर्यस और बोथ अब फर्क देखना वन ट्वेंटी फाइव तो सेम है नीचे से जेल यात्रा जो है यहाँ पर तीन महीने के यहाँ पर छह महीने की है तो पहले बड़े वाले में तीन साल की है मतलब अगर टूवेंटी वन आप लाइन से जाएंगे टू ट्वेंटी वन पहले आएगा थ्री ईयर की है टू ट्वेंटी टू में जब जाओगे आप सर टूट टूट सब हाफ कर दो हाफ कर दो सर हाफ कर दो छह महीने हाफ कर दो सर छः महीने हाफ कर दो सर छः महीना ठीक है और खाली क्या फर्क है बच्चों खाली क्या फर्क है ये मिनिमम पेनल्टी मिनिमम पेनल्टी हाफ कर दो हाफ कर दो कैसा करना हाफ कर दो हाफ कर दो क्या बोलोगे आप हाफ करोगे तो पहले टू टू वन याद कर लेते सर एक लाख से पच्चीस लाख पचास हजार से पांच लाख पचास हजार तो पचास हजार से लेकर पांच लाख एक लाख से पच्चीस लाख पचास हजार से पांच लाख एक लाख से पच्चीस लाख तो फिफ्टी फिफ्टाइव लाख वन ट्वेंटी फाइव एंड थ्री और थ्री ईयर्स की जिले थोड़ा और बहुत अब सर हाफ कर दो तो वन ट्वेंटी फाइव तो सेम जाएगा टू 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 में बराबर मैक्सिमम पेनल्टी पांच लाख वो भी सेम जाएगी खाली क्या चेंज हो रहा है मिनिमम पेनल्टी पचास हज़ार का हाफ कितना हो जाएगा सर तो क्या कहना सर टू टू वन में टू 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 हाफ कर दिया हाफ कर दिया हाफ कर दिया पच्चीस हजार थ्री हाफ कर दिया हाफ कर दिया छह दिया छ महीना छ महीना चैप्टर में सर डायरेक्टर so, और ऑफिसर को अगर आपने वो इंस्पेक्शन करने नहीं दिया तो ट्वेंटी थाउजेंड से लेके एक लाख एंड एक साल की जेल आता है एंड एक साल की एग्जाम में आया हुआ सर टू जीरो सिक्स भी एग्जाम में आया हुआ है so, एक लाख पेनल्टी एंड पांच सौ रेप पर डेट इधर डिफॉल्ट कंटिन्यूस एक लाख की पेनल्टी लग जाएगी एंड पांच सौ रुपया पर डेट इधर डिफॉल्ट कंटिन्यूस टू जीरो टू जीरो सेवन अगेन दोनों इम्पॉर्टें है दोनों इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन वाले चैप्टर में इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाले में सेक्रेटर ऑडिट अमेंडमेंट है पूरे सेक्शन मेंट जिस अट्ठ दीवियस अटम्प अगर डायरेक्टर कंपनी सी एस पी तो अगर ढंग से रिपोर्ट नहीं किया कमी तो उन्होंने नहीं कराई तो पेनल्टी कितनी दो लाख रुपए की पेनल्टी कितने दो लाख रुपए की पेनलिटी कितने दो लाख रुपए की पेनल्टी कितने दो लाख रुपए की सेक्रेटरी ऑडिट दो लाख रुपए 204 सेक्रेटरी 2422 242 242 204 242, 242 दो लाख की पेनल्टी 203 अपॉइंटमेंट ऑफ की पेनल्टी अगर अवैंड अपने सेक्शन 203 जीरो किया तो कंपनी के लिए पेनल्टी पांच लाख रुपया डायरेक्टर के पेनल्टी लाख ये भी इंपॉर्टेंट है के लिए पांच लाख रुपए डायरेक्टर के एमपी के लिए रुपए था सब्जेक्ट पर डे सब्जेक्ट पांच लाख सब्जेक्ट मैक्सिमम 5 लाख रुपया रेम्यूनेशन वाला जो सेक्शन वन एन अगर वो कुछ भी कांड करता है तो फ्लैट पेनल्टी होगी वहाँ पर डायरेक्टर एक लाख कंपनी पाँच लाख डायरेक्टर एक लाख कंपनी पाँच लाख डायरेक्टर एक लाख कंपनी पांच लाख याद होता है ठीक है तो छोड़ सकता है वन एन वन सब सब वाला शेयर अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी वाला लॉस ऑफ के एम ट्रांसफर ऑफ ऑफिस पता वो सब बिकॉज ऑफ शेयर ट्रांसफर अंडरटेकिंग ट्रांसफर वाला प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए डरेक्टर के पेनल्टी फ्लैट वन लाख रुपीज फ्लैट वन लाख रुपीज़ फ्लैट वन लाख रुपीज़ ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्टर एम टी डी आपने नहीं था आपने बना दिया नहीं बनाया आपने इंस्पेक्शन करने नहीं दिया तो पाँच हज़ार से लेकर पच्चीस हज़ार ऑफिस अगले पांच हजार लिए पच्चीस हजार फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है वन एटी नाइन इन विच द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट नॉट सो इंपॉर्टेंट छोड़ सकते हो इसको बिजना छोड़ सकते हो देन वन एटी एट इंपॉर्टेंट अगेन फाइव ट्वेंटी फाइव जैसे देखो ये वाली जो है ना पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट विद एमडी डी टी डी वाले में इसमें क्या बोलते हैं छोटा सा सेक्शन छोटी सी पेनल्टी पांच हजार से लेके पच्चीस हजार पांच हजार से लेके पच्चीस हजार पांच हजार से लेके मतलब पांच हजार ऑफिसर के लिए फ्लैट है एंड पच्चीस हज़ार कंपनी के लिए पच्चीस हज़ार कंपनी के लिए वन नाइनटी वाले में जब वन एट्टी एट पढ़ते हैं तो उससे बड़ा हो जाएगा तो फाइव ट्वेंटी फाइव पाँच लाख अदर कंपनीज के लिए लिस्ट कंपनी में पच्चीस लाख तो ये इंपॉर्टेंट है ये आ सकती है एग्जाम में अलग से पेनल्टी अगर क्वेश्चन में लिस्टेड कंपनी बोले तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी पच्चीस लाख की अदर कंपनी के लिए पांच लाख की इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी छोड़ सकते हो नॉट सो इंपॉर्टेंट वन एटी सिक्स एल आई जी एस की भी पेनल्टी नॉट सो इंपॉर्टेंट छोड़ सकते हो बिंदस कोई टेंशन नहीं इसके लिए भी लिखी हुई अगर आपको याद हो तो ठीक है नहीं तो छोड़ सकते हो लोन टू डायरेक्टर वन एटी फाइव का मल्टीपल चलेगा वन एटी फाइव का मल्टीपल चलेगा फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव कैसे याद करना सर कैसे याद करना सर इसको 5, फाइव ट्वेंटी फाइव 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 ट्वेंटी फाइव लाख पच्चीस लाख पांच लाख पच्चीस लाख पांच लाख पच्चीस लाख जी ले और सिक्स मंथ्स और बहुत और सिक्स मंथ्स और बहुत मतलब सर अब एक कंपनी अगर वन एटी फाइव कुछ भी कॉन्ट्रमें कॉन्ट्रमेंट होता है सो तो कंपनी ने दिया होगा किसी इंसान ने दिया होगा जिसको दिया जिसने दिया सब 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 ठुकेंगे सब ठुकेंगे फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव बेटा फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव क्या बोलोगे आप फाइव ट्वेंटी फाइव और छह महीने की और रहा और बहुत पोलिटिकल पार्टी टू वाला जो कॉन्ट्रवेंशन किया है डिस्कलोज नहीं किया आपने बी आर पास नहीं किया गवर्नमेंट कंपनी ने दे दिया कंपनी ने एक्सिस्टिंग लैसन थ्री फाइनेंशियस दे दिया कुछ भी कांड हुआ तो अमाउंट नहीं है, पर, क्या है? टू फाइव टाइम्स टू फाइव टाइम्स एंड छह महीना एंड छह महीना एंड छह महीना टाइम्स एंड छह महीना ठीक है पेनल्टी चेंज है कंपनी के लिए पांच लाख ऑफिसर के लिए एक लाख इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरमेंट क्योंकि इसमें कंपनी के लिए पांच लाख ऑफिसर के लिए एक लाख कंपनी के लिए पांच लाख ऑफिसर के लिए एक लाख कंपनी के लिए पांच लाख ऑफिसर के एक लाखी सेवन सेवेंटी एट मतलब बिजली मेकेजम का आ गया एनआरसी का कॉन्ट्रीब्यून आ गया ऑडिट कमिटी का कॉन्ट्रब्यूशन कुछ भी आया कंपनी पांच लाख ऑफिसर एक लाख इंटरेस्ट डायरेक्टर अगर डिस्कलोज नहीं किया तो कॉन्ट्रेक्टर तो बोल जगह पेनल्टी लग जाएगी उसको एक लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी एक लाख रुपए की बोर्ड मीटिंग में अगर नोटिस ढंग से नहीं दिया टाइम पे नहीं दिया राइटिंग में नहीं दिया सबको नहीं भेजा तो पेनल्टी है फ्लैट पच्चीस हज़ार रुपये फ्लैट पच्चीस हज़ार पेनल्टी है पच्चीस हजार रुपए ठीक है थ्री में यहाँ पर लिखा गया है कि वो कितने लोग साइन करेंगे चेयरपसन टू डायरेक्टर संग संगेगा प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस फॉरन कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो लिखा पर फिर वन जो चेंज हुई है पेनल्टी क्या बोलते हैं कंपनी ने ऑफिसर के लिए पचास रुपया फ्लैट मतलब अगर 149 से लेके वन सेवेंटी आपका अपॉइंटमेंट ऑफ आप डायरेक्टर का जो चैप्टर है अगर वो कुछ भी कॉन्ट्रेम होता है 149 से लेके 171 ठीक है तो 172 सेवन टू के हिसाब से आपको सामूहिक पेनल्टी लग जाएगी अगर स्पेसिफिक है तो वो फॉलो कर लोगे उस चैट्टर के लिए अगर नहीं तो सामूहिक फॉलो करोगे पचास हजार रुपया एंड पांच सौ रुपया पर डे सब्जेक्ट मैक्म वन थ्री सब्जेक्ट को मैक्सम वन थ्री सब्जेक्ट को मैक्सम वन वी

पचास हजार रुपया पांच सौ रुपये पर डे एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वन थ्री इंसान को छोटी पेन लेते कंपनी को बड़ी पेन लेते वन थ्री कंपनी के लिए तीन लाख ऑफिस के लिए एक लाख ठीक है वेकेशन ऑफ ऑफिस याद हो तो है. Very, very, very ठीक है तो एक लाख से पांच लाख की पेनल्टी है नंबर ऑफ डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है कैसे याद करोगे सर मेरी आ, लिमिट कितनी बीस की है बीस की बीस की लिमिट है तो सब टू के मल्टीपल्स है दो हजार रुपये पर डे दो हज़ार रुपये पर डे सजेक्ट मैक्म दो लाख सब्जेक्ट मैक्सिम दो लाख सर मेरी बीस की लिमिट है मैं बीस कंपनी में इंक्लूडिंग ऑल्टन डेक्टरशिप मतलब करके मैं बीस कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ दो हजार रुपए पर डे सब्जेक्ट मैक्सिम दो लाख दो हज़ार रुपए पर टू मैक्सम दो लाख दो हजार रुपया पर डे सब्जेक्ट मैक्सिम दो लाख ठीक है दिन में दिन में कुछ भी कांड किया कंपनी ने कांड किया तो सेम पेनल्टी पच्चीस पच्चीस एक एक पच्चीस से लेकर एक लाख पच्चीस से लेकर एक लाख एंड कंटिन्यू डिफॉल्ट फॉल करंड्रेड रुपीज पर डे हंड्रेड रुपीज पर डे जो इंडिविजुअल जो डरेक्टर बने थे उसने कुछ कांड किया तो पचास अप टू फिफ्टी थाउजेंड एंड पाँच सौ रुपये पर डे आप टू फिफ्टी थाउजें एंड पांच सौ रुपये पर डे फिफ्टी थाउजें एंड पांच सौ रुपये पर डे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे कंपनी ने कुछ का जैसे अगर वो पंद्रह दिन के अंदर वो डी आई थ्री सी इंटीमेट नहीं किया तो पच्चीस से लेकर एक लाख के पेंडी थाउजें हंड्रेड रुपीज़ पर डे हंड्रेड रुपीज़ पर डे एंड वो इंसान है जिसने डिन लेना था उसने कुछ फॉल्स दिया कुछ भी कांड कर उसने आप टू फिफ्टी थाउजें एंड पांच सौ रुपये पर डे एंड एन सौ पर डे डिन के सेक्शन ठीक है हो गया अब यहाँ पर कुछ लिमिट है फटाफट लिमिट भी रिवाइज कर लेते अपन इतनी सी पेनल्टी बेटा याद कर लो दो दो तीन तीन बार देखोगे याद रहेगा फिगर दिख जाएगा सामने हो जाएगा जो मैंने इनको इंपॉर्टेंट बताइए जो चेंज हुई है वो शायद पेपर में आ जाए डिसंबर के लिए तो ध्यान से देखेगा आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा मज़ा आ रहा होगा एंड रिकॉल हो रहा होगा सारी चीजें सेक्रेटरी ऑडिट की लिमिट कितनी है सेक्रेटरी ऑडिट के लिए सर लिस्ट कंपनी तो यूं ही आपके लिए पब्लिक के लिए क्या देखना है पचास एंड ढाई सौ पेड कैपिटल मिनिमम फिफ्टी क्रोज और टर्न ओवर टू फिफ्टी क्रोज एंड एवरी कंपनी

पब्लिक कंपनी में चेक करेंगे पेड कैपिटल मिनिमम टेन मिनिमम टेन मिनिमम टेन क्रोज फिर प्राइवेट कंपनी का चेक करेंगे मिनिमम टेन क्रोज उनको क्या चाहिए अपने को होल टाइम सी एस चाहिए अगर आपकी एमपी की बात करो तो सर इतना ही खाली लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनी कैपिटल और मिनिमम टेन क्रोज बट अगर एक प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल मिनिमम टेन क्रो उनको पूरी टीम नहीं चाहिए उनको क्या चाहिए खाली होल टाइम सीएस उनको क्या चाहिए खुली होल टाइम सीएस फिर वो बिग कमनी इंडिविजल कम एम डी सी आपको पता होगा कैपिटल करोड़ का एंड टन ओवर थाउजेंड बिग कंपनी बिग कंपनी वो अपन ने किया ना प्रोविजन वो व

लिमिट आ गई बट वो क्या है जॉइंट वेंचर है होली होलोन सबसे डॉमिनंट कंपनी है ठीक है तो ऑडिट कमेटी एनआरसी इंडिपेंडेंट इनको एप्लीकेबल नहीं है इनको एप्लीकेबल नहीं है सर so, विजिल में कैसे चेक करना है एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अदर्स अदर्स में क्या आ जाएगा प्राइवेट पब्लिक सब आ गए जिन्होंने क्या कर रखा है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करके या फिर लोन ले रखा है बैंक पी एफ आई से एक्सेडिंग फिफ्टी एक्सीडिंग लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अदर्स अदर्स में एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ पी एफ आई एक्सीडिंग फिफ्टी क्रोज एक्सेडिंग फिफ्टी क्रोज ठीक है फिर एक है वुमेन डायरेक्टर सर वुमेन डायरेक्टर में क्या बोला उसने पचास सौ फिर उसमें एक लिमिट वो अदर कंपनीज वाली वुमेन डायरेक्टर में बहुत सिंपल है पब्लिक में क्या चेकिटल हंड्रेड कोस टर्न ओवर मिनिमन तीन सौ और खाली इसी वाले एंड था इसी वाले में एंड था जब वो वुमेन डायरेक्टर एक ही इंसान एमडीसी वो नहीं बन सकता वो वाले पॉइंट पर एंड है बाकी सब जगह पर चलता है सब जगह पे और अब्स ये कुछ फॉर्म है ये शायद उल्टा रोटेट हो गया आप इसको पढ़ लीजिएगा सारे फॉर्म है एफ वन में पढ़ लेता है करके एफ सी एन स्पेसिकली फॉर फॉरन कंपनी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर एफ सी टू इज फॉरट्रेशन एफ सी थ्री इज फॉर लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ बिजनेस एफ सी फोर इज़ फॉर एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न ठीक है साठ दिन के अंदर देना पड़ता है एम एस सी वन एल्लीकेशन फॉर डॉर्मेंट कंपनी एम एस सी टू अपने को सर्टिफिकेट देगा एम एस सी थ्री में रिटर्न जाएगा एम एस सी फोर में अगर वो डॉर्मेंट है वो एक्टिव के लिए एप्लीकेशन करेगी एम एस सी फाइव में वहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाएगा फिर एन सी एल ट वन ये कॉम्प्रोमाइज़ के पूरे फॉर्म से सारे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के फॉर्म एन सल वन टू सिक्स फिर जी एल वन टू थ्री फोर ये सारे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के फॉर्म से अब इसको रिवाइज किंग करेंगे फिर मैनेजर एमशन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म एम आर वन आओ सी फायल करता है विदिन सिक्स डेज एम आर वन अपॉइंटमेंट ऑफ उसके लिए फिर सी जी के लिए अगर अपने को अप्रूवल चाहिए होता है तो वो अपने वो टू जीरो दो सौ दो सौ एक दो सौ एक में जो लिखा हुआ है दो सौ एक फॉर्म है वो एम आर टू है पता कंडीशन अगर वरस होती है अपने सी जी को अप्लाई करना पड़ता है तो अपने को जब सी जो को अपला करना पड़ता है कौन से फॉर्म में जाएगा एम आ टू में सेक्रेटरी ऑडिट एम आर थ्री में सेक्रेटरी ऑडिट एम आ में अच्छा एल का जो रजिस्टर है वो है एम बी पी टू रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टर उसका है एम बी पी फोर मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स ठीक है डी आई ट्वेल डी आई ट्वेल्ल की अगर डायरेक्टर रेजिग्नेशन करता है तो कंपनी को इंटीमट करना पड़ता है आरोसे को विद इन थर्टी डेज डी आई ट्वेल के अंदर डायरेक्टर खुद इंटमेट करेगा डी आई लेवन वो वॉलंटी है वो वॉलंटी इसलिए मैं लिखा है वहाँ पर ठीक है डी आई टू उसका कंसेंट जाता है डायरेक्टर टू कंसेंट जाएगा उसका विद इन थर्टी डेज आपको मिलेगा वन फिफ्टी वन फोटी नाइन टू फर्स्ट इलेक्ट वन फर्स्ट इलेक्ट उसमें मिलेगा आपको डी कंसेंट अच्छा डी आई सिक्स है डी आर फाइव सुरेंदर सुरेंदर अपडिन डी आई थ्री एप्लीकेशन टू सी जी फॉर डीन डी आई से कम इंटीमेट करते उसको विदिन फिफ्टीन लास्ट नेम नहीं, last name नहीं, नहीं तो है लास्ट नेम नहीं आपका सर है तो डीआई थी क्लारीफिकेशन जाएगा ट्रांजिलेशन जो पुराना फॉर्म था नेटवर्क डीआर थ्री बी डी आई थ्री बी खत्म ये सारे फॉर्म्स रिवाइज हो गए आपके ये सारे मतलब मैनेजर एमशन एम बी और बोर्ड मीटिंग वाले फॉर्म्स डिन वाले फॉर्म हो गए आपके रेजिग्नेशन के फॉर्म हो गए ये आपके फॉरन कंपनी का थोड़ा उल्टा हो गया फिर ये मिसर मतलब मिसरस चैप्टर से है यानी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के फॉर्म है सारे बाकी इन पीछे आपको लिमिट रिवाइज करा दी मैंने आपको बेटा यहाँ पर पूरी पेनल्टी अपनी रिवाइज हो गई कूल है आई होप आपको मजा आ इस लेक्चर में आप एग्जाम के लिए इसको आई थिंक ये बीस मिनट का लेक्चर है आपको इसको एग्जाम के लिए टू एक्सपे पे देख लीजिएगा दस मिनट फटाफट -फड़ रिवाइज हो जाएगा रास्ते में चलते चलते वॉशरूम करते करते कान में लगा के ईयरफोन पूरा सोना वीडियो बंद कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है डू लाइक द वीडियो कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जितने भी टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप करो मैक्म लोग को बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार अब की बार आखिरी बार पीपल हुव स्टडीड अच्छे से दोनों ग्रुप अगर आप दे रहे हो बेटा एम फॉर रैंक एम फॉर रैंक अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन अगर आप पास हो या फिर एक ही ग्रुप की तैयारी हुई है बेटा सत्तर सत्तर सोचोगे तो बेटा पक्का साठ तक आ जाओगे कूले डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल नोट्स के लिए आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलता हूँ दुआ में याद रखना एंड गॉड ब्लेस यू बाय गाइस कीप स्माइलिंग होगा 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 पास हो गए तो बाय गाइस